हे एवरीवन, इट्स मी टीएसएम अनिवार सिंह सावरमसे का हिंदी वाला। फिलहाल एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल आज का टाइटल है जितने भी पैंतीस सावरमसे का गेम के भीतर है, हम उन सारे पैंतीस को आज मास्टर सोमरेक को देने वाले हैं और देखने वाले हैं मास्टर सोमरेक का इनका ओपिनियन क्या रहता है, क्योंकि फिशर में एक डेटिंग फिशर आने वाला है सावरम सेगा के भीटर, जो कि रिडैक्टो स्ट्राइक पे होगा। तो डेफिनेटली हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा अगर हम लोग मास्टर सोमरेक का ओपिनियन लेंगे, क्योंकि मास्टर सोमरेक बहुत अच्छे से सड़ी मतलब कि पैंटिस को सूंघ कर बता सकता है कि कौन सा लड़की मतलब कि मेरे लिए सही है। आप लोगों को मतलब वीडियो के आगे में आप लोगों को सब पता चल जाएगा। फिलहाल पहला जो पैंटी है वो है डेबिका। देखते हैं कि डेबिका यहाँ पर क्या रिएक्शन आता है। यहाँ पर ऐसे मेच्योरमेंट फुल ऑफ लव एंड कॉम्पेशन। आप लोग हो सके तो पिक्चर क्वालिटी आज थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना अगर आप लोग को पढ़ना है, नहीं तो मैं मतलब कि साथ में को बोल ही दूंगा। आई ऑल्सो सेंस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड कंस्टेडेशन। तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद एंड जस्ट हिंट ऑफ लीलाक। तो लीलाक क्या है मेरे को नहीं पता, आप लोग जाके गूगल कर लेना। उसके बाद आई होप यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ द वुमेन टू हुम दिस पैंटीज बिलोंग। तो ओके, तो ये सही बात है। आई ऑल्सो सेंस दैट सी वुड डू एनीथिंग फॉर यू। बिल्कुल सही बात बोला डेबी के बारे में। उसके बाद हमें जो मुराई ठाई है तो वो मास्टर सोमरेक हम लोग को सिखाएगा, लेकिन फिलहाल आज मैं वीडियो बनाना हो तो मैं नहीं सीखूँगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो किसे मतलब करना है तो डेफिनेटली आप लोग जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएगा कि आप लोगों को कौन सा वाला मतलब कि गाइड चाहिए, क्या कैसे खेलना है। तो ये आज इम्पोर्टेंट नहीं है, आज इम्पोर्टेंट ये है कि मास्टर सोमरेक का क्या ओपिनियन रहता है। फिलहाल आज हमारे पास 8 पैंटी है और एक हो गया, अभी 7 बाकी है। तो आज जो है वो है जेनी का। तो देखते हैं जेनी के ऊपर मास्टर सोमरेक का क्या ओपिनियन रहता है। फिलहाल मास्टर सोमरेक का जो ओपिनियन है यहाँ पर पहले दे देते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या ओपिनियन रहता है। और दिस इज एन एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी ऑफरिंग यंग मंकी। ओके, सही बात है। उसके बाद आई सेंस ए यंग वुमन, सही बात है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फुल ऑफ ग्रीड एंड लस्ट। बिल्कुल सही बात है, बहुत लालसी है जो अपना जेनी है। आई ऑल्सो सेंस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ एमलेसनेस एंड फ्रस्ट्रेशन। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद शी इज वाइल्ड वन एंड यू विल फाइंड ओन एंड यू विल फाइंड सी ओन बी रियली इजली बोल। ओके, बी केयरफुल अराउंड दिस वुमेन। ओ भाई ये क्या बोल लिया, मतलब कि सही बात है, हमें मतलब जेनी से दूर ही रहना है। वैसे फिलहाल वो इतना ज़्यादा मतलब क्या, आई सेंस दैट सी विल नेवर बी सेटिस्फाइड नो मैटर हाउ मच डू सेक्रीफाइस फॉर हर। क्या ये बात सही है, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जो सब बताएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेरे को भी लगता है कि जेनी जो है मतलब कि सेक्रीफाइस अगर आप उसके लिए करते हैं तो उतना ज़्यादा वो वैल्यू वर्थ इट नहीं है, क्योंकि उसको बस पैसों से मतलब है। तो उसी कारण से उसका एक्स बॉयफ्रेंड सेड्रिक ने भी उसके साथ ब्रेकअप कर दिया। उसके बाद फिर से हम लोग जाएंगे मॉल के ऊपर और देखेंगे मास्टर सोमरेक का क्या ओपिनियन रहता है। यहाँ पर आज हमारे पास है ईवी का, आई थिंक ईवी नहीं प्रिंसेस का है। प्रिंसेस मतलब हमारा रॉक्सी, नहीं नहीं ये कोर्स ब्रिजेट का पैंटी है। देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, वाओ दैट इज़ वन स्ट्रॉन्ग ऑफरिंग यंग मंकी। तो सही बात है। उसके बाद क्या बोला, सेंस ए मैश्योर वोमेन, सही बात है। उसके बाद ये नहीं यार, मैश्योर वोमेन में क्लिक करा। ओके ओके, तो फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड रिग्रेट। तो ये भी मतलब मेरे को मालूम नहीं उसके बारे में इतना। तो आई सेंस दैट सी स्ट्रगलिंग टू रिगेन हर आइडेंटिटी। भाई कौन सा आइडेंटिटी, वो पिंक साइक्लोन वाला, सही बात है। उसके बाद सी इज यर्निंग टू रिटर्न टू द लाइफ सी लेफ्ट बिहाइंड। ओके ओके, यू विल नीड टू बी सॉन इन बॉडी बिफोर अटेम्प्टिंग टू एड हर यंग मंकी। भाई उसको मतलब करना उसके साथ तो मतलब असंभव है भाई, बहुत ताकत चाहिए। यू हिट द वेट बेंच। तो वेट बेंच कहाँ है, जहाँ पर हमारा केविन मतलब के खड़ा रहता है, तो वही है वेट बेंच। तो आपको वेट बेंच करना पड़ेगा अगर आप लोगों को फ्यूचर में कोच विजय के साथ कुछ सीन करना है तो। ओके, तो उसके बाद तो कोच विजय के साथ, तो आप लोगों को पता है कि आप कोच विजय के साथ करना चाहेंगे क्या, कोच विजय हाँ, तो क्या करना चाहेंगे आप कोच विजय के साथ। मैं तो भाई डेफिनेटली मतलब ये इतना मूड नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब कि जब भी हमको डिटेक्ट है तो वो ट्रिगर हो जाता है, मतलब पता नहीं क्यों। उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये है हमारे रॉक्सी का। देखते हैं यहाँ पर क्या बात बोला है। यहाँ पर दिस इज द ऑफर ऑफ द हाइएस्ट क्वालिटी, मतलब बाप रे
रॉक्सी हाइस्ट क्वालिटी में पट है क्या भाई साहब? यंग वोमेन सही है, अ फुल ऑफ एंगर एंड रिसेंटमेंट सही बात है। पहले मतलब रॉक्सी बहुत ही गुच्छल थी, मतलब एनोइंग बुलिंग करती थी हमको। आई सो स्ट्रॉ सेंस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ एबैंडन एंड इनसिक्योरिटी, सही सही बात है। शी इज वेटिंग फॉर अ राइट मैन टू सेव हर, ये मेरे को मालूम नहीं था। मतलब लास्ट में बोल रहे हैं वो, मतलब बोलती है वो, मतलब रॉक्सी, यू शुड परस्यू द वुमन टू होम दिस फ्रेंडशिप बिलोंग्स, यंग मंकी। उसके बाद आई सेंस दैट शी विल प्रूफ लॉयल लविंग एंड लॉयल द राइट मैन। यस, मतलब कि अगर आप लोग रॉक्सी का पूरा वर्क थ्रू कंप्लीट कर लेते हैं, तब आप लोगों को मतलब रॉक्सी बताता है कि मेरा क्या होगा, मतलब कि ये तुम जो मेरे साथ कर रहे हो क्या ये बस फन के लिए है, या फिर तुम असल में मेरे साथ करना चाहते हो। तो मतलब वहाँ पर दो ऑप्शन है कि बस फन के लिए, या फिर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिलहाल मैं तो मतलब पहला वाला ऑप्शन ही क्लिक किया कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उसका थोड़ा मतलब कि मूड अच्छा कर दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद आते हैं आज किसका था, आज शायद ईव का था, होना चाहिए ईव का, नहीं आज ऑडिट का है, सही है ऑडिट। यहाँ पर देखते हैं कि ऑडिट के बारे में क्या बातें हैं, यूनिक ऑफरिंग, ये सबसे यूनिक ऑफर है, क्योंकि यहाँ पर ओ भाई साहब ये क्या बोल दिया, मतलब कि मैं भी पहली बार देख रहा हूँ कि देयर से डार्क ओरा टू रोज पैंतीस कनिंग माइंड एंड पेंशन फॉर मिसचीफ। तो ये बात तो सही है, मतलब उसको मिसचीफ करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसका मतलब कनिंग माइंड भी है, ये बिल्कुल सही बात है। सी इज मैडली इन लव विथ समन टू क्लोज टू हर, सही है, मतलब कि मेरे को मालूम नहीं है उतना इसके बारे में। सी इज कंज्यूम बाई डिजायर टू सी दोज फीलिंग्स आर रिटर्न, और क्या बोलेगा, बी वेरी ऑफ दिस यंग वुमेन। ओ भाई साहब सही है, मास्टर सॉफ्ट ब्लैक, दो वुमेन हमें मिला, एक जेनी और एक ऑडिट, तो उन दोनों से हमें बस के रहना है, डेनिस और ऑडिट से बस के रहना है। मेरे को पहले से ही मतलब वो ऑडिट इतना खास नहीं लगा, क्योंकि वो मतलब डायरेक्ट कोई उसका मेहनत नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट करने में वो मतलब बिलीव करता है डायरेक्ट, वो मतलब स्ट्रेंजर हो गया, आपका नाम तक नहीं पूछता वो। मैंने जब मतलब उसने मतलब मेरे साथ किया था, मेरे साथ मतलब हमारे मेन कैरेक्टर के साथ, नाम भी नहीं पूछा, डायरेक्ट कर दिया, तो मेरे को ये बहुत ख़राब लगा। ऑडिट तो मेरे लिए बिल्कुल भी मतलब सॉइस बात नहीं है। नेक्स्ट आई थिंक ईवी का होगा, देखते हैं ईवी का मासा सोमरे के ऊपर क्या ओपिनियन रहता है। तो लेट्स होप एंड वी डू आफ्टरनून, उसके बाद जाते हैं जिम में। ओके, यहाँ पर आज हम देंगे ईवी का पेंटी, तो चलिए देते हैं उसे, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या बात बोलता है। यहाँ पर वेल नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, ओके, क्यों भाई इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? बिकॉज दिस मार्क्स इज ट्रूली इंटॉक्सिकेटिंग। ओके नेक्स्ट, द ओनर ऑफ दिस पेंटीज मस्ट बी वेरी स्पेशल। क्या ईवी स्पेशल है? क्या ईवी स्पेशल है आप लोग बताना, मेरे लिए तो इतना स्पेशल नहीं है। मैं मियाँ या फिर रॉक्सी को ही ज़्यादा मतलब पसंद करता हूँ, या जी गर्लफ्रेंड, और वास्ट अमाउंट ऑफ करियर पैसा वो तो है भाई, पर ऑल्सो लॉन्लीनेस एंड ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ सेल्फ लव, हाँ वो भी है। उसके बाद हाइडिंग समथिंग, क्या समथिंग हाइडिंग कर रहा है भाई, ये तो हमें नहीं पता अभी तक मेरे को। उसके बाद क्या बोल रहा है, समथिंग इन हर पास दैट हैज स्केयर हर डीपली, हाँ पता है उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके बाद इफ़ यू इंटेंड टू परस्यू हर आई विल एडवाइज गेट कॉशन। तो मेरे को मतलब ईवी इतना अच्छा नहीं लगा, मेरे को अच्छा लगा आई सेंस दैट इफ़ यू डू ब्रेक हर हार्ट इट माई सेटर कम्प्लीटली। ओ भाई साहब ये क्या बोल दिया। तो मेरे को मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मतलब एक तो रॉक्सी, क्योंकि मतलब कि वो एंड में आते आते बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद मियाँ, अगर मेरे को चूज़ करना पड़ा रॉक्सी और मियाँ के बीच में, तो मैं तो चूज़ करूँगा डेफिनेटली मियाँ को। और आप लोग बताना कि आप लोग किसको चूज़ करने वाले हो एज ए गर्लफ्रेंड इन फ्यूचर, जब यहाँ पर एक फीसर आने वाला है, तो मैं डेफिनेटली मियाँ को चूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मियाँ हमसे स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी से बात करता है, और रॉक्सी शुरुआती मतलब कि स्टेज में हमें बहुत ज़्यादा बुलिंग करता था, हमें बहुत ज़्यादा मतलब डिसरेस्पेक्ट करता था, लेकिन एंड में आके सही हो गया, कि एंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, स्टार्टिंग से फ़र्क पड़ता है। तो देखते हैं आज किसका है, मैं भूल गया हूँ शायद, देखना पड़ेगा। यस ग्रेस का, ग्रेस का देखते हैं कि ग्रेस के बारे में क्या बोलता है वो। दिस इज एन एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी ऑफरिंग यंग मंकी, सही मतलब कि ये कॉमन है, एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी, ओके यंग वोमेन सही है। हु हाइड्स बिहाइंड द मार्क्स ऑफ सेल्फिशनेस एंड ऑप्टिमिज्म, ओके, और आई सेंस दैट अंडरनीथ द फेसेड सी इज टॉर्मेंटेड बाई एंगजाइटी एंड गिल्ट। उसके बाद
शी स्ट्रगलिंग टू फाइंड बैलेंस इन द बिहेवियर। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका दुकान ही नहीं चल रहा है जो टैटू का पार्लर था, तो उसके लिए हम लोग हेल्प करते हैं एक क्वेस्ट में। यू शुड ट्राई एंड हेल्प हर, डेफिनेटली मास्टर सोमनाथ हम लोग हेल्प करेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। द सी विल रिपे योर काइंडनेस टेनफोल्ड। अरे भाई साहब, तब तो करना ही पड़ेगा भाई, मास्टर सोमरेक ने बोल दिया करना ही पड़ेगा। आप तो फिलहाल सिद्ध करते हैं। तो ग्रेस मतलब कि मेरे को अच्छा ही लगा, ग्रेस बहुत केयरिंग है, बहुत मतलब केयर करता है ये भी के ऊपर, तो आई लाइक ग्रेस। उसके बाद चलते हैं, हमारा शायद ये आखिरी हो सकता है पेंटी जो कि है शायद मियाँ का, तो मेरे को मियाँ का नहीं मिल रहा था, लेकिन मिल गया फाइनली। आफ्टरनून करते हैं, मॉल में जाते हैं और आखिरी पेंटी देते हैं मास्टर सोमरेक को। लीजिए भाई, ले ले बुढ़ा ले ले, आखिरी पेंटी जो है हमारे पास वो है मियाँ का। देखते हैं मियाँ के ऊपर क्या ओपिनियन रहता है। मियाँ माय गर्लफ्रेंड माय बेबी, देखते हैं। दिस इज नेक्स्ट ऑफर ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। ओ ये मेरे को पता ही था मियाँ हाईएस्ट क्वालिटी है, क्योंकि मियाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मियाँ आई लव यू मियाँ। चलो उसके बाद क्या बोला है भाई, बता। यंग वुमेन सही है। उसके बाद फुल ऑफ होप एंड क्यूरोसिटी, बिल्कुल सही है। होप भी है और क्यूरोसिटी भी बहुत है उसके अंदर। सेंस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड बोर्डम, हाँ बोर्डम बहुत इजीली हो जाता है वो। उसके बाद शी इज यर्निंग टू एस्केप हर प्रिजन, सही बात है। उसकी माँ उसको मतलब एक प्रिजन में ही रखती है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। यू शुड हेल्प हर टू ब्रेक हर साइकिल्स यंग मंकी, डेफिनेटली हेल्प करेंगे भाई, ब्रेक करेंगे उस प्रिजन को। और क्या, आई सेंस दैट हर जॉयस डेमीनर विल ब्रिंग यू नथिंग बट हैप्पीनेस। ओ ये, उसके बाद खत्म हो गया। ओके खत्म हो गया। तो यही था आज का वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।